हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु किचन। आज हम बनाएंगे साबूदाना का वड़ा। ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है और ये बहुत ही क्रिस्प और करारा होता है। तो चलिए फिर देर किस बात की, रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साबूदाना बनाने के लिए हम एक कप भिगा हुआ साबूदाना लेंगे, यानी कि रा साबूदाना हमें लगभग 1/3 कप लेना है, आधा कप से अधिक। तो ये फूल के एक कप हो जाएगा। दो मीडियम साइज के उबले हुए आलू लगभग 2 कप, यानी कि 1 कप साबूदाना और 2 कप आलू उबला हुआ, इसे ग्रेट कर दिया है। साबूदाने को हम उबले हुए आलू में मिला देंगे और थोड़ा सा ये है रोस्टेड मूंगफली, इसको मिक्सी में डाल के हम हल्का ग्राइंड कर लेते हैं दरदरा। देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है इसको, हल्का ऐसे दरदरा और इसको इसमें हम मिला देंगे। करी लिप्स, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और ये है कटे हुए अदरक, थोड़ा सा ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और कटी हुई हरी मिर्च। इसमें लगभग 1 चम्मच हम दही लेंगे थोड़ा सा खटास लाने के लिए, और स्वाद के अनुसार हम नमक लेंगे और बिल्कुल 1 चुटकी हम बेकिंग सोडा लेंगे, बिल्कुल 1 चुटकी। और इसमें हम 2 चम्मच ये है ब्रेड क्रम्स, ये टोटली ऑप्शनल है, मुझे थोड़ा सा क्रिस्पीनेस चाहिए तो उसके लिए मैं ये डाल रही हूँ। आपके पास ना हो तो आप इससे स्किप कर सकते हैं, बट डालने से थोड़ा सा क्रिस्प पड़ जाता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। साबूदाना को हम लगभग 8 से 9 घंटे भिगा देंगे। ये पूरे अच्छे से फुला रहेगा तो ही बड़ा अच्छा बनता है। अगर आपके पास मैगी मसाला हो तो इसमें आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा अगर ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट इसका जो होता है ना अच्छा लगता है, बढ़ जाता है। अब हमारा बड़ा रेडी हो गया फ्राई होने के लिए। अब हम छोटा छोटा सेप देंगे और इसे गर्मा गर्म तेल में फ्राई करेंगे। इनका हम छोटा छोटा बड़ा बनाएंगे और साथ में हम एक कटोरी में पानी ले रहे हैं और एक प्लेट इसमें रखने के लिए। हाथ को अच्छे से साफ कर लेंगे और इसे छोटा सा लेंगे, अच्छे से सॉफ्ट करेंगे और इन्हें ऐसे प्रेस करेंगे और पानी में एक उंगली डाल के और ऐसे बीच से और ऐसे इसका उल्टा करके भी करके, और इसे ये फूटे ना बड़ा हमारा। बस ये हमारा बड़ा रेडी है, इसे प्लेट में कर देंगे और ऐसे ही सारे बड़ा हम रेडी कर लेते हैं। सारे बड़े रेडी कर दिए हैं, अब इसको हम ले चलेंगे फ्राई करने। आप बड़े का सेप जैसा देना चाहें ऐसा दे सकते हैं। कढ़ाई हमारी गरम है, इसको हम करेंगे मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको नहीं फ्राई करना है, इसे धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। देखिए मैंने गोल गोल ही सेप दिया है। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, इसे हाई फ्लेम पे नहीं करना है, धीरे धीरे से फ्राई होना है। और जब एक तरफ अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे पलट देंगे, इन्हें हम इसे पलट देंगे। इन्हें अब हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। ये बिल्कुल क्रिस्प हो गए हैं,
बाकी बचे हुए बड़े को भी हम फ्राई कर लेते हैं। जब दोनों तरफ से फ्राई हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। ये सारे बड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब इनके जो अंदर रिफाइंड ऑयल है इसको हम टिश्यू पेपर पे अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे ऐसे, और इनकी करते हैं प्लेटिंग। देखिए मैंने जो भी गोल सा बड़ा करके फ्राई किया है उसको मैंने ऐसे कर दिया है, कितना अच्छा लग रहा है इसको खाने में, कबाब की तरह। और इन बड़ों को हम पहले मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है। आह बहुत गर्म है, देखिए है ना क्रिस्पी। इसको हम तोड़ के दिखाते हैं। अभी ये बहुत गर्म है, दिखने में है ना लाजवाब। तो चलिए इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। इनको हम मैंने इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है दही के साथ। टन टन, देखिए हमारे बड़े कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये कबाब तो छूट ही गया। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।